Hi viewers, this is Javad and welcome back to my YouTube channel. Today I will show you that how to register for PMA 148 long course. So before I start my video, make sure to subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell so you'll get the latest videos updates. So let's start our video. तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, यहाँ पे आ जाना है, गूगल में आ जाना है और यहाँ पे आपने ऊपर टाइप करना है ज्वाइन पाक आर्मी। जो ही आप ऊपर लिखेंगे ज्वाइन पाक आर्मी तो आपके पास पहले नंबर पे जो रिजल्ट्स आ जाएंगे ज्वाइन पाक आर्मी डॉट गवर्नमेंट डॉट पी के, इस पर आपने क्लिक करके इस लिंक को ओपन कर लेना है तो आपके पास ये पाक आर्मी की एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं सर्विंग विद प्राइड पाक आर्मी और ये आपको जनरल बाजवा साहब की तस्वीर भी नज़र आ जाएगी। तो आपने क्या काम करना है, यहाँ से इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है तो आपके पास ये देखें आ जाएगा सबसे पहले पीएमए लॉन्ग कोर्स, उसके बाद सोल्जर रिक्रूटमेंट है और उसके बाद टीसी है। तो आपने सबसे पहले पीएमए लॉन्ग कोर्स पे जो ही आप यहाँ पे अपना माउस का बटन रखेंगे या मोबाइल पे आप यहाँ पे अपनी फिंगर टैप करेंगे तो यहाँ पे आपके पास लिखा आ जाएगा फॉर कोर्स डिटेल क्लिक हेयर। तो पहले हम कोर्स की डिटेल में जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि कोर्स की क्या डिटेल्स हैं। तो ये देखें जो पी एम ए 148 लॉन्ग कोर्स है वो आज 17 अप्रैल 2021 से शुरू हो रहा है। इसकी रजिस्ट्रेशन जो है और 17 मई 2021 तक रहेगी। उसके बाद जो इनिशियल टेस्ट होंगे वो 20 मई से लेकर 27 जुलाई तक होंगे और उसके बाद जो कोर्स में जो लोग अप्लाई कर सकते हैं वो मेल होने चाहिए, अनमैरिड होने चाहिए और ये सब कुछ आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके लिए आपका वेट जो होना चाहिए वो बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक होना चाहिए। आप गूगल पे जाके बॉडी मास इंडेक्स का जो चार्ट है वो देख सकते हैं और आप ये देख सकते हैं कि आपका वेट उसके मुताबिक है या नहीं और बाकी नेशनैलिटी वगैरह आप देख सकते हैं और ये सब कुछ। इस बार जो इन्होंने एक अच्छा काम किया है वो ये है कि 55% कर दिया है, जिन लोगों के 60% मार्क्स नहीं थे एफएससी में तो वो अभी अप्लाई कर सकते हैं 55% मार्क्स के साथ। तो आपने क्या काम करना है, यहाँ से मैं बैक चला जाता हूँ और यहाँ पे फॉर कोर्स रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सेकंड नंबर पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये हमारे पास फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म को आपने नहायत ही एहतियात के साथ पूर करना है। यहाँ पे कोर्स है पीएमए 148, ऑब्वियसली टेस्टिंग सेंटर में जो आपका शहर है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है जो आपको करीब पड़ता है। यहाँ पे ही आपका इनिशियल टेस्ट होगा और आपको आईएसएसबी के फॉर्म मिलेंगे। तो मेरा रावलपिंडी है इसलिए मैं एएसआरसी रावलपिंडी सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद आपने अपना नाम यहाँ पे दे देना है। नाम मैं अपना नाम यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ये जो आप देख सकते हैं जिन पे रेड स्टार लिखा है ये आपने लाजमी फिल करनी है। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ दे देनी है, डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी सही सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद यहाँ पे अपना सीएनआईसी नंबर दे देना है। सीएनआईसी नंबर के बाद यहाँ पे आपने दोबारा अपना सीएनआईसी नंबर वेरीफाई कर लेना है, फादर का नेम आपने दे देना है यहाँ पे, उसके बाद फादर का जो सी एन आई सी नंबर है वो यहाँ पे आपने फिल कर देना है। उसके बाद फादर प्रोफेशन कैटेगरी, इसका मतलब है आपके फादर क्या करते हैं, बिजनेसमैन है, प्राइवेट जॉब करते हैं, सर्विंग आर्मी, ये सब कुछ लिख देना है। यहाँ पे मैं रिटायर्ड आर्मी कर देता हूँ। उसके बाद फादर प्रोफेशन डिटेल, जो अभी आपके वालिद साहब कर रहे हैं उसकी डिटेल लिखनी है तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं तो इसकी आपने डिटेल में लिख देना है। फादर रैंक आपने लिख देना है और यहाँ पे आपने फादर रैंक सेलेक्ट कर लेना है, फादर का आर्मी नंबर पी ये उनकी जो पेंशन बुक है उस पर लिखा होगा तो यहाँ पे आर्मी नंबर आपने सेलेक्ट कर लेना है, या आपका अगर पी एस नंबर जे एस एस है पी जी ओ है तो आपने वो सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आगे नंबर टाइप कर देना है। फादर की रेजिमेंट यहाँ पे आपने सेलेक्ट करनी है या आपको सारा कुछ आपकी जो डिस्चार्ज बुक है उस पर ये लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे उनकी पेरेंट यूनिट सेलेक्ट करनी है, स्टेटस यहाँ पे अलाइव कर देना है, फादर इनकम जो है यहाँ पे अगर उनकी 25,000 से ज़्यादा इनकम है वो कर देनी है, जो भी आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है वो कर दें यहाँ से। तो प्लेस ऑफ डेथ इसको छोड़ देना है, नेचर ऑफ डेथ अगर आपके फादर अलाइव हैं तो आपने उसको छोड़ देना है, प्लेस ऑफ ऑपरेशन को भी छोड़ देना है और ये पूरी फील्ड छोड़ देनी है। मदर्स नेम आपने अपना टाइप कर लेना है यहाँ पे, उसके बाद मदर्स का सी एन आई सी टाइप करना है, मदर की जो प्रोफेशन कैटेगरी है हाउस वाइफ है, अगर कुछ भी नहीं करती घर में होती हैं तो हाउस वाइफ कर दें, प्राइवेट जॉब करती हैं, बिजनेस मैन है, जो भी आपने यहाँ पे कर दें तो यहाँ पे मदर का प्रोफेशन आपने सेलेक्ट कर देना है। अगर आपकी मदर आर्मी में है तो आपने मदर का यहाँ पे रैंक और उनका आर्मी नंबर और सारा कुछ सेलेक्ट कर लेना है। मदर स्टेटस में अलाइव कर दें, अगर डिकीज हैं तो डिक्रीज कर दें, तो डिसीज कर दें, तो यहाँ पे मदर एजुकेशन भी कर दें तो
उसके बाद यहाँ पे आपने सिबलिंग्स, आपके जितने बहन भाई हैं आपको छोड़ के आपने वो लिखने हैं, तो यहाँ पे आप उतने ही लिख दें। और उसके बाद फैमिली इनकम कितनी है, टोटल फैमिली की इनकम जो मिला के है सब कुछ वो आप कर दें। और उसके बाद डोमिसाइल आपका कहाँ का है, जहाँ का भी है, के पी के का, रावलपिंडी का, जिस शहर का है तो आपने उस शहर का यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आपने दे देना है अपना। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना, ऑब्वियसली मेल या मैरिटल स्टेटस जो है अनमैरिड होगा। और रिलीजन अगर आप मुस्लिम है तो मुस्लिम ही करें, और नॉन मुस्लिम है तो नॉन मुस्लिम सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे शिया सुन्नी है तो ये सेलेक्ट कर लें, नॉन मुस्लिम है तो अपना रिलीजन डिफाइन कर लें, क्रिश्चियन है, सिख है, हिंदू है, जो भी है। केस्ट है आपकी, केस्ट मतलब अवान है, मलिक है, तो जो भी है आपकी वो सेलेक्ट कर लें। उसके बाद मोबाइल नंबर आपने अपना दे देना है यहाँ पे, या अपने फादर का दे देना है जो मोबाइल नंबर एक्टिव हो। उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे टाइप कर देना है, जो भी आपका जीमेल अकाउंट का ईमेल एड्रेस है कोई भी आपने दे देना है। फ्रेश है अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे फ्रेश पे सेलेक्ट करें। अगर आप नॉट रिकमेंडेड हैं, एक बार आई एस बी से जाके वापस आ चुके हैं, तो आप यहाँ पे रिकमेंडेड या नॉट रिकमेंडेड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप फ्रेश हैं, अगर आप इनिशियल टेस्ट में फेल हुए हैं तो आपने फिर भी फ्रेश कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है। अगर आप ISSB में 5 दिन या 4-5 दिन गुजार के नहीं आए तो आप फ्रेश कैंडिडेट है। बेशक आप इनिशियल में 10 बार फेल हो गए हैं, प्रीवियसली अप्लाइड इन, अगर आपने किसी पहले PMA में लॉन्ग कोर्स में अप्लाइड किया है, अगर आप नॉट रिकमेंडेड हैं तब आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर आप इनिशियल में फेल हुए हैं तो यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना। उसके बाद एप्लीकेंट सर्विंग स्टेटस, ये जो लोग हाजिर सर्विस हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने यहाँ पे नो पे सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद पासपोर्ट नंबर को छोड़ दें, अगर आपका है तो दे दें। उसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स में यहाँ पे अपने क्वालिफिकेशन दे देनी है। तो यहाँ पे इस जो ही आप इस बी एजुकेशनल डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक बड़ा सा वो बार ओपन हो जाएगी। तो ये आपको देखेंगे मैट्रिक साइंस है, अगर आपकी आर्ट्स है या ओ लेवल है आप सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे कंप्लीटेड है, ऑब्वियसली कंप्लीटेड होनी चाहिए, और ऑप्शन ही आपके पास नहीं है, आपकी मैट्रिक तो लाजमी होनी चाहिए। रोल नंबर आपने दे देना है जो आपकी बोर्ड की मार्कशीट पे लिखा हुआ है। पासिंग ईयर भी आपने दे देना है, मैं अपना पासिंग ईयर यहाँ पे दे देता हूँ। और उसके बाद मार्क्स ऑब्टेंड, यहाँ पे अपने मार्क्स ऑब्टेंड लिखने हैं, टोटल मार्क्स लिखने हैं। और उसके बाद मार्क्स की परसेंटेज कितनी बनती है वो लिख देनी है। उसके बाद आपने अपना स्कूल इंस्टीट्यूट लिखना है, जो भी आपका स्कूल है वो आपने यहाँ पे टाइप कर देना है। मैं यहाँ पे अपना जो स्कूल कॉलेज है वो टाइप कर देता हूँ। उसके बाद ये आपने अपना बोर्ड सेलेक्ट कर देना है, आपका कौन सा बोर्ड है, फेडरल बोर्ड है, जो भी है, यहाँ पे मैं फेडरल बोर्ड सेलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे उसके बाद आपने इंटरमीडिएट मतलब FSC करना है ग्रुप, यहाँ पे आपने ए लेवल है, FA FSC, मेरी FSC है। अगर आप ICOM या ICS के स्टूडेंट है तो आपने यहाँ से वो सेलेक्ट करना है, आपने FSC नहीं सेलेक्ट करनी। तो मैं यहाँ से, अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आपने DAE सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से मैं FSC सेलेक्ट कर लेता हूँ, रिजल्ट मेरा कंप्लीटेड है। रोल नंबर आपने दे देना है, पासिंग ईयर आपने दे देना है, मैं अपना पासिंग ईयर यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। उसके बाद आपने क्या काम करना है, मार्क्स ऑब्टेंड, जितने आपने मार्क्स लिए हैं वो आपने यहाँ पे डाल देने हैं, टोटल मार्क्स डाल देने हैं। उसके बाद मार्क्स की परसेंटेज जितनी बनती है वो डालनी है, और स्कूल आपका है सिंपली जिस तरह आपने ऊपर किया है इस तरह यहाँ पे भी कर देना है। अगर आप बैचलर्स हैं, अभी आपकी बैचलर्स ऑब्वियसली नहीं हुई होगी, अगर किसी ने 4 साल किए हैं तो वो अप्लाई नहीं कर सकता, सिंपली सी बात है लॉन्ग कोर्स में, क्योंकि उसकी एज ही ओवर हो जाती है। तो इसको आपने छोड़ देना है बैचलर्स वाले खाने को। अदर क्वालिफिकेशन को भी छोड़ देना है, यहाँ पे आपने यहाँ पे चेक मार्क कर देना है, आई हैव बीन डिक्लेयर दैट टू द बेस्ट नॉलेज एंड बिलीव द अबव इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, आई रियलाइज दैट इफ एनी इंफॉर्मेशन गिवन बाई मी इन दिस एप्लीकेशन फॉर्म इज फॉल्स और इनकम्प्लीट, और इफ एनी ओरिजिनल एजुकेशनल सर्टिफिकेट इज फाउंड, अगर आपका मतलब ये कह रहे हैं कि कोई जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट फेक है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी और आपके ऊपर GHQ एक्शन लेगा। ये जो कोड आपने लिखा है आपने इसको सिंपली इसी तरह लिखना है, जो लेटर्स कैपिटल में है उसको आपने कैपिटल्स में लिखना है, और जो स्मॉल है उसको आपने स्मॉल में लिख लेना है एक्स के, ये आपका के जो है कैपिटल है। और उसके बाद आपने यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है तो ये आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो ये देखें जो मैंने खाने खाली छोड़े हैं, अगर आपने कोई भी खाना गलत या खाली छोड़ा है तो आपको यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि सम फील्ड नीड्स करेक्शन।
प्लीज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन करेक्टली। तो ये यहाँ पे लिखें, यू डिडेंट एंटर योर सी एन एस ई, यू मस्ट एंटर योर सी एन एस ई ट्वाइस, आपने अपना सी एन एस ई ट्वाइस एंटर करना है, फादर सी एन एस ई, फादर एजुकेशन, ये सब कुछ मैंने नहीं दिया, और योर इंटरमीडिएट मार्क्स परसेंटेज इज टू लो, इसलिए कह रहे हैं मैंने अभी दी नहीं है। तो ये आपने सारा कुछ दे के ओके करना है। मैं तो इज़ाहिर ही बात है, हर किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, तो मैं आपको इस फॉर्म को यहाँ पे सबमिट कराने के बाद मिलता हूँ। तो अभी जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे देखें आप, मैंने यहाँ पे अपना कोड भी फिल कर दिया, और यहाँ से मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँगा। यूँ ही मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो लिखा आ गया है, योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन रजिस्टर्ड, और उसके बाद यू विल ईदर बी अप्रूव्ड और रिजेक्टेड आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ योर क्रेडेंटल्स, और यहाँ पे हमारा एप्लीकेंट आईडी वगैरह लिखी है, और यहाँ पे क्लिक हेयर टू चेक योर अप्रूवल। अब यहाँ पे क्लिक हेयर करेंगे तो योर फादर, ये आपके पास ये एरर आएगा, तो इसको आपने छोड़ देना है यार, ये आपका 2-3 दिन तक वापस सही हो जाएगा। तो वापस आपने आर्मी की वेबसाइट पे आना है, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम स्लिप क्लिक हेयर करना है, यहाँ पे आपने अपना सी एन एस ई डालना है, यहाँ पे अपने फादर का सी एन एस ई डालना है, और ये अपना कोड डाल के जब आप ये चेक करेंगे तो स्टेटस, तो आपके पास स्टेटस शो होगा, तो मैं भी डालता हूँ अपना। तो यहाँ से मैं चेक स्टेटस पे जो ही क्लिक करूँगा तो ये आप देख सकते हैं, ये आ चुका है 1401 जवाद मंजूर, और ये ARSC रावलपिंडी, ASRC रावलपिंडी, और यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन पेंडिंग है। ये अभी देखें रजिस्ट्रेशन टाइम भी है हमारा 17 अप्रैल 2021, आज ही हमने रजिस्ट्रेशन करा दी है, और ये अभी हमारी जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी यहाँ पे कुछ दिनों बाद पेंडिंग की जगह अप्रूव्ड लिखा आ जाएगा, या रिजेक्ट होनी हुई तो रिजेक्ट लिखा आ जाएगा, 100% चांसेस है अप्रूव होने के। तो यहाँ पे आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, तो आपके पास आपकी डेट वगैरह यहाँ पे लिखी आ जाएगी, आपकी स्लिप जनरेट हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, तो यूट्यूब चैनल पे मेरे आएँ और इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, मैं आपके लिए इसी तरह की बेहतरीन वीडियोस लेके आता रहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ISSB के बारे में, ISSB के इनिशियल टेस्ट के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में आपको मैं कंटेंट दूं, तो आप नीचे कमेंट्स करें, मैं आपको MCQs दे दूंगा, आपको ISSB की इंफॉर्मेशन काफ़ी दे दूंगा, तो आपको सारा कुछ और भी वीडियोस में लाऊंगा। तो तब तक के लिए इतना कुछ, अल्लाह हाफिज़।